फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चैनल। आज हम लोग आपके लिए लेके प्रारंभ किए हैं सी में फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है उनको हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग आप सी प्रोग्राम में इनपुट तथा आउटपुट प्रक्रिया के समय प्रयोग में लाते हैं। यह सी भाषा के कंपाइलर को इनपुट अथवा आउटपुट प्रक्रिया के दौरान वेरिएबल को किस प्रकार वैल्यू एक्सेप्ट करना है या उसे किस प्रकार से प्रिंट करना है इसको दर्शाता है। साथ ही यहां पर प्रिंट एफ और स्कैन एफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर सिंपली अगर देखें तो सेम होते हैं, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस भी हैं जिन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि परसेंट के साथ आपने देखा होगा प्रिंट एफ में या स्कैन एफ में, कई बार हम परसेंट डी लिखते हैं, परसेंट सी लिखते हैं, कभी परसेंट एस लिखते हैं। तो ये क्या है, ये कन्वर्जेशन करेक्टर है कि जो आपकी इनपुट वैल्यूज है उसको किस रूप में आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए इन्हें हम प्रयोग में लाते हैं। साथ ही साथ उन तत्वों को नियंत्रित करने के लिए हम कभी माइनस भी उनके बीच में प्रयोग करते हैं या डॉट दशमलव वैल्यूज को कितने प्रिसीजन पॉइंट तक हमें डिस्प्ले करना है इसके लिए प्रयोग में लाते हैं। तो जो प्लस या माइनस सिंबल की बात है वो आपकी वैल्यूज को लेफ्ट अलाइन करता है या राइट अलाइन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर हम परसेंट के बाद किसी न्यूमेरिक वैल्यू को देते हैं तो वो आपके जो चौड़ाई होती है या जो आप टेक्स्ट को या प्रिंट करते हैं तो उसको यदि वो वर्णों की संख्या कम हो तो क्या करेगा, उनमें स्पेस भर के उसे अलाइन करेगा। लेकिन यदि वर्णों की संख्या ज्यादा है तो उस पूरे के पूरे टेक्स्ट को प्रिंट करता है। यदि हम यहाँ पे बात करें डॉट की, तो डॉट का जो भी है ये आपको अंकों के साथ जब हम प्रयोग करते हैं, तो अगर दशमलव के बाद के डॉट लगा रहे हैं तो ये क्या करेगा, उसको पूर्णांक में बाद जो आएंगे अंक, जितना आप नंबर लिखेंगे उतनी दशमलव की संख्या को फ्लोटिंग पॉइंट के लिए प्रिंट करेगा। अदरवाइज ये जो है आपकी फ्लोटिंग पॉइंट में 0.6 तक की वैल्यूज प्रिसीजन के साथ स्टोर करता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सिंबल्स हैं उनको मैं आपको ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि परसेंट सी के साथ अगर आप समझते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं सिंगल करेक्टर के लिए आप परसेंट सी का प्रयोग करेंगे करेक्टर डेटा टाइप के साथ। दूसरा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है करेक्टर के लिए, वो अगर आप अरे या स्ट्रिंग मीन शब्द को अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इसके लिए परसेंट एस का प्रयोग करना होगा। वहीं यदि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो ये क्या करेगा, आपकी वैल्यूज के लिए यहाँ पर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इंटेजर के लिए हमारे पास तीन जो भी हैं ऑप्शन है, पहला है परसेंट डी डेसिमल के लिए, इंटेजर आई या अनसाइंड इंट के लिए आप यू का प्रयोग करेंगे। अगर आप वैल्यूज को ऑक्टल रूप में या ऑक्टल संख्या के रूप में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो परसेंट ओ का प्रयोग करेंगे। वहीं हेक्साडेसिमल के लिए आपको परसेंट एक्स कैपिटल या स्मॉल का आप उपयोग कर सकते हो। लॉन्ग इंटीजर्स का भी प्रयोग करते हैं तो इसके लिए आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एल डी एंड परसेंट एल आई है। लॉन्ग लॉन्ग के लिए आपको डबल एल और स्मॉल आई या डबल एल और डी का आप प्रयोग करेंगे। अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग के लिए डबल एल यू, इस तरह से आपको ये प्रयोग करने का इंटीजर के साथ ये दूसरे जो पॉइंट में दिए गए हैं राइट साइड में लेफ्ट साइड में उन्हें आप प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पे आप देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोटिंग नंबर के लिए, फ्लोटिंग मीन्स रियल नंबर या दशमलव वाली संख्याओं के लिए, तो यहाँ आपको इसमें जो दिखाई देगा वो परसेंट एफ या ई स्मॉल या कैपिटल परसेंट ई के साथ ये आपको एक्सपोनेंट के रूप में वैल्यूज को प्रिंट करता है। साथ ही साथ परसेंट जी या कैपिटल जी को भी आप प्रयोग में लाते हैं, पर इनमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जिसे हम अगली स्लाइड में भी चर्चा करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास जो है वो डबल डेटा टाइप के लिए दो हैं, या तो आप एल एफ का प्रयोग करते हैं डबल अगर आप लिखते हैं डबल सॉरी और अगर आप लॉन्ग डबल लिखते हैं तो कैपिटल एल एफ का आप प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। पहला है जी
या जी फॉर्मेट स्पेसिफायर को जब आप डबल या फ्लोट के साथ प्रयोग करते हैं तो ये फ्लोटिंग पॉइंट के रूप में उनको प्रदर्शित करता है। तो आप कैपिटल एफ या ई लिखते हैं तो वो उनको उस रूप में डिस्प्ले करेगा, और अगर आप ई लिखते हैं तो कैपिटल ई के रूप में आपको एक्सपोनेंट में वो वैल्यू प्रिंट होगी। परसेंट एक्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है अनसाइंड हेक्साडेसिमल इंटीजर को प्रिंट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यह अनसाइंड हेक्साडेसिमल को अगर आप स्मॉल एक्स के साथ लिखते हैं परसेंट स्मॉल एक्स तो ये छोटे नंबर में डिस्प्ले करेगा हेक्साडेसिमल वैल्यूज, और अगर आप कैपिटल परसेंट एक्स कैपिटल के साथ लिखते हैं तो परिणाम आपके जो अल्फाबेट में आएंगे वो ए बी सी डी, जो कि हेक्साडेसिमल में आप जानते हैं कि नंबर में हमारे पास क्या आते हैं 10 से ऊपर की वैल्यूज के लिए ए बी सी डी एफ का प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये इन लेटर्स को प्रिंट करेगा। परसेंट एफ जो है इनमें और परसेंट जी में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जब आप परसेंट एफ का प्रयोग करते हैं तो फ्लोटिंग वैल्यूज जो है वो दशमलव के बाद 6 अंकों के साथ आती है, किंतु अगर आप परसेंट जी का प्रयोग करेंगे तो जो आपने संख्या दी हुई होती है वो या तो राउंड ऑफ होकर के आएगी या जितनी संख्या आपने लिखी है उतने ही डेसिमल वैल्यू के साथ डिस्प्ले होगी। मतलब 6 के बजाय जो आप संख्या लिखेंगे या तो वो आएगी दशमलव के बाद के अंक, या उसे राउंड ऑफ करके वो एक डिजिट में डिस्प्ले कर सकता है। प्रिंट एफ में परसेंट पी का भी प्रयोग आप जो है इंटीजर संख्या के साथ जब करते हैं तो आप उसको हेक्साडेसिमल वैल्यू में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये जो भी है डिफरेंट जो डिस्प्ले है वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के सी कंपाइलर का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि सी के बहुत सारे कंपाइलर्स उपलब्ध हैं तो ये उनकी वैल्यूज अलग अलग निर्भर करती है कंपाइलर के टू कंपाइलर। परसेंट डी और परसेंट आई फॉर्मेट स्पेसिफायर में भी मैं यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस बताना चाहूंगा कि जब आप इसको प्रिंट एफ के साथ करते हैं तो इनमें दोनों के साथ में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं आता है। आपके जो परिणाम होंगे जो परसेंट डी के साथ आएंगे वो परसेंट आई के साथ भी आएंगे, मतलब सेम ही आउटपुट देंगे। लेकिन अगर आप इसे स्केल एफ के साथ करते हैं तो यहाँ बेसिक परिवर्तन है। वो बेसिक अंतर ये है कि अगर आप परसेंट डी के साथ में किसी वैल्यू को इनपुट कराते हैं तो वो सिर्फ इंटेजर टाइप की वैल्यू लेता है और उसे आप जो है सिर्फ इंटेजर फॉर्मेट में ही नंबर डाल सकते हैं, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में ही एक्सेप्ट नहीं करता। किंतु अगर आप परसेंट आई का प्रयोग करते हैं स्कैन एफ के साथ तो ये आपकी वैल्यूज डेसिमल के साथ साथ ऑक्टल तथा हेक्साडेसिमल दोनों तरह की वैल्यूज को प्रयोग करेगा। अगला जो पॉइंट है ऑक्टल नंबर में जब आपको स्कैन एफ में अगर आप परसेंट आई के साथ ऑक्टल वैल्यू देना चाहते हैं तो आपको उस नंबर के पहले जीरो ऐड करना होता है, वहीं हेक्साडेसिमल के लिए आप जीरो और एक्स के बाद में वो हेक्साडेसिमल नंबर टाइप करते हैं। तो कंप्यूटर के कंपाइलर को ये समझ में आता है कि जो आप इनपुट दे रहे हैं वो आपका हेक्साडेसिमल में है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप पहले ध्यान रखिए। आइए अब हम इसी के आगे इनके इस प्रोग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक आपका ये प्रोग्राम है एस इंक्लूड str.h conv.h void या int main करली ब्रैकेट ओपन किया हमने। यहाँ पर आप देख रहे हैं करेक्टर ch एक हमने वेरिएबल ले रखा है, एक स्ट्रिंग नेम का हमने जिसमें वेलकम शब्द को स्टोर किया है और इंटीजर सीरियल नंबर 12 फ्लोट सैलरी। तो यहाँ इसमें हमने फ्लोट में सैलरी में ये वैल्यू डाली है। स्क्रीन को क्लियर कराने के पश्चात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा परसेंट सी, ये आपको क्या डिस्प्ले करेगा लेटर को एज ए को ये डिस्प्ले करेगा। जब आप नेम डिस्प्ले करते हैं तो आप परसेंट एस का जैसा कि मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर में आपको बताया था तो स्लाइड्स में आप देख रहे थे कि करेक्टर के साथ आप दो तरह के प्रयोग करते हैं सी का और एस का। तो जब आपकी ये अरे है तो आपने परसेंट एस का प्रयोग किया। फ्लोट में अगर आप देखेंगे तो इसका क्या आउटपुट आएगा, फ्लोट जो वैल्यूज है वो दशमलव में है आपके पास। तो यहाँ पर जो आउटपुट आने वाला है वो आपको पूरी संख्या ये तो डिस्प्ले होगी ही 4, 5, 6, 7, 8 और साथ में बाद में पॉइंट में जो 239 है उसके बाद में भी लास्ट में तीन डिजिट जीरो लगे मिलेंगे। अगर आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बोला था कि 0.2 अगर आप लगाते हैं तो ये क्या करेगा उस वैल्यूज को दशमलव के दो अंकों तक रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो सिर्फ आपको 4, 5, 6, 7, 8, 0.23 दिखेगा। लेकिन यदि आप जी का प्रयोग करते हैं तो ये या तो 2 को राउंड ऑफ करके 3 या 4 में कन्वर्ट कर देगा सिंगल डिजिट में, या सिर्फ इसी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। इंटीजर के लिए भी देखिएगा तो
लेजर में आपने ले रखा है 12, तो ये हम यहाँ पर परसेंट डी, परसेंट आई, परसेंट एक्स, कैपिटल एक्स, ओ और कैपिटल ओ और पी का प्रयोग करके इनके आउटपुट को देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम सी के प्रोग्राम। ये हमने प्रोग्राम्स को टाइप कर लिया है, टाइप करने में ज्यादा समय नष्ट ना हो इसलिए यहाँ पर टाइप करके आपको ये लिख देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको कैपिटल ओ कर देते हैं, तो जो अभी आपने स्लाइड्स पर पावर पॉइंट स्लाइड्स में जो प्रेजेंटेशन में आपने देखा उसी प्रोग्राम को यहाँ पर लिखा है। इसके मैं आपको रन करके इसके आउटपुट को दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिएगा आपका जो पहला लेटर था ए, वो ए को यहाँ पर डिस्प्ले किया। वेलकम अगर आप देखेंगे तो आपका दूसरा लेटर जो भी है वेलकम है, वेलकम को ये परसेंट एस के कारण वेलकम प्रिंट हो रहा है। सैलरी को अगर आप फ्लॉट में देखें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सैलरी थी वो दशमलव के बाद में आपने 238 लिखा है, लेकिन यहाँ पर 281 ऑटोमेटिकली इसमें कुछ वैल्यूज जो भी है गार्बेज के साथ भर के आ रही है। जब हमने इसी आउटपुट को यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 और ये 2, 3, 8 जो है वो देखिए राउंड ऑफ होके 8 का वैल्यू 4, तो दो डिजिट में आ गई। लेकिन जब आप जी के साथ देखते हैं, ये देखिए जी के साथ यहाँ पर आपने किया, तो इस जी के कारण ये आपकी वैल्यूज क्या है, सिर्फ जो आपने दी है वो राउंड ऑफ में आई है। तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ 2 एक ही डिजिट है। फिर ये दो इंटेजर आई और डी को प्रिंट कर रहे हैं, तो ये देखिएगा इंटेजर यहाँ पर ये एक्स जो डी और आई को हमने प्रिंट किया, तो ये आपका 12 था, दोनों के ही आउटपुट सेम आए हैं। एक्स में अगर आप देखेंगे तो 12 की वैल्यू हेक्साडेसिमल में जो है जाकर के क्या होने वाली है, 10 को ए लिखते हैं और 12 को जो है आप सी लिखेंगे, तो इसका मान यहाँ सी आपको दिख रहा होगा। देखिए कैपिटल और सी स्मॉल सी दोनों वैल्यूज जो दिख रही हैं वो यहाँ पे किस प्रकार से दिख रही हैं, क्योंकि आपने जो परसेंट एक्स लिखा है वो स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल हेक्साडेसिमल में वैल्यू, और कैपिटल लिख रहे हैं तो कैपिटल आ रही है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 14 ये जो आपका ऑक्टल के साथ है तो ये आपका 14 ऑक्टल में आ रहा है। इसको जब आप लिख रहे हैं तो ये इसे नहीं ले रहा है, मतलब कैपिटल ओ नहीं ले रहा है, तो आप इसको स्मॉल ओ ही लिखेंगे और इसे आपने ये किया रन, तो देखिएगा कि आपका 14 दोनों में आ गया, तो आप कैपिटल ओ नहीं लिख सकते, स्मॉल ओ ही लिखना होगा। और अगर हम पी की पॉइंटर की बात करें तो हमने सबसे लास्ट में यहाँ पे पी लिखा है, तो मतलब इंटेजर वैल्यू को हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में भी परसेंट पी के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये 00C जो है ये आपको हेक्साडेसिमल में उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है 4 डिजिट में। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को आपने यहाँ पे समझा। अगला जो प्रोग्राम है वो हमारा प्रोग्राम है यहाँ पर, इसमें जो मैंने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर scanf के साथ में वैल्यूज देने की बात की थी उसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें हम इंटर द डेसिमल नंबर एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में हम अगर नंबर को इनपुट कराते हैं तो ये सिर्फ डेसिमल में ही नंबर एक्सेप्ट करेगा, उनको आप चाहें तो डेसिमल और ऑक्टल या हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ जो प्रिंट होने वाले हैं वो नंबर वो आपके हैं डेसिमल में, तो यहाँ आप जो भी नंबर डालेंगे उसका डेसिमल वैल्यू आएगी, उसी नंबर को वो ऑक्टल में भी रिप्रेजेंट करेगा परसेंट ओ के कारण और हेक्साडेसिमल में परसेंट एक्स के कारण प्रिंट करेगा। किंतु अगर इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो आपको वहां पे दिखाएंगे कि यदि इस प्रोग्राम में हम ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में वैल्यू डालते हैं परसेंट डी जहां पे scanf लिखा हुआ है तो वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, कुछ और ही वैल्यू देगा। लेकिन जब हम इसको परसेंट आई करके जो कि हमने तीसरा प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम में सिमिलरिटीज ही है, सिर्फ यहाँ पर ये है कि हम इसमें नंबर
तीनों फॉर्मेट में इनपुट करा सकते हैं, डेसिमल में भी, ऑक्टल में भी और हेक्साडेसिमल में भी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ परसेंट डी के बजाय स्कैनएफ में परसेंट आई प्रयोग किया है। तो जब हम यहाँ नंबर देंगे, जो भी नंबर डालेंगे वो उसके अकॉर्डिंग, उस दिए गए इनपुट के अकॉर्डिंग, वो डेसिमल में है या हेक्साडेसिमल में, या उसके अनुसार इसके आउटपुट को कन्वर्ट करके देगा। कन्वर्ट ये भी करेगा, पर यहाँ पर हमारे तीनों तरह के इनपुट स्वीकार हो रहे हैं, आउटपुट तो उसमें भी आपको डिस्प्ले होंगे, लेकिन यहाँ समझिएगा। तो इससे चलिए इन प्रोग्रामों को भी, हम दो और तीसरे को भी देख लेते हैं। दूसरा प्रोग्राम जो कि आपने अभी स्लाइड पे देखा था, वो यहाँ देखिए यही लिखा हुआ है, has include stdio.h, conio.h, integer main, int num clear screen, enter the decimal, integer, यहाँ आपने इसको स्कैन कराया है, फिर तीनों को percent d, percent o और percent x के साथ इनके डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल वैल्यू में प्रिंट कराया। तो इसे चलिए कंपाइल करते हैं कंट्रोल F9 से। अब यहाँ पर हम नंबर डालते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पे नंबर डाला 10, तो देखिए 10 नंबर डेसिमल में 10 था, ऑक्टल में जब हमने परसेंट जो है इसके साथ परसेंट ओ लिखा, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 10 को ऑक्टल में आप 12 लिखेंगे, हेक्साडेसिमल में उसकी वैल्यू जो भी है ई बन गई। चलिए कोई और नंबर डालते हैं, अगर हम डालते हैं यहाँ पर जो 15 डालते हैं, तो 15 को, 15 की वैल्यू देखिए 17, ऑक्टल में आप बाइनरी कन्वर्ट करके जानते हैं अगर, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल की वैल्यू देखिएगा, तो ये एफ है, चूंकि 15 को आप हेक्साडेसिमल में एफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ मैं इसी प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, और इस बार मैं देता हूँ 0 और साथ में 8 पास करता हूँ। तो निश्चित है अगर हम ये ऑक्टल में दे रहे हैं 8, तो इसको डेसिमल में क्या होना चाहिए था, 10 बनना चाहिए था, जो कि नहीं है यहाँ। तो ये देखिएगा इंटर, और ये हेक्साडेसिमल में 8। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि ऑक्टल जो भी अगर 8 है, तो ये डेसिमल में 8 लिख रहा है, और ऑक्टल में जो भी है इसको हमने तो चूंकि 0.8 लिखा है, तो ऑक्टल में 8 होना चाहिए था, डेसिमल में हमारा जो भी है ये क्या होता, 10 बन जाता, और ऑक्टल में 8 रहना चाहिए था। यहाँ हो रहा है उस डेसिमल 8 को डेसिमल मान रहा है, इसलिए 8, और यहाँ ऑक्टल में 10 लिखा और उसको हेक्साडेसिमल में 8 लिखा। अब इसी प्रोग्राम को हम फिर से एक बार समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0.15, तो 0.15 जो भी है ये देखिएगा डेसिमल में 15 लिख रहा है, जबकि हम ऑक्टल प्रारूप में दे रहे हैं, तो इसको क्या आना चाहिए था, ऑक्टल में ये वैल्यू 17 होना चाहिए थे, और डेसिमल में ये 17 होना चाहिए थे, और हमारे पास ऑक्टल में क्या आती, इसको अलग वैल्यू देता, और यहाँ पर हेक्साडेसिमल में जो एफ दे रहा है, जो कि वो 15 को 15 मान रहा है, तब तो दे रहा है, और हम तो दे रहे हैं ऑक्टल में नंबर, तो ये नहीं ले रहा है। अगर हम इसे हेक्साडेसिमल के बजाय 0x करके दें, 0x, और मान लीजिए ए देते हैं, तो क्या ये लेता है, देखिए यहाँ पर नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि हेक्साडेसिमल में ये नंबर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसी प्रोग्राम को फिर से हम एक बार रन करते हैं। यहाँ पर थर्ड प्रोग्राम है, जिसमें बेसिकली डिफरेंस आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आई हमने किया है, पिछले प्रोग्राम में परसेंट डी था, तो इसमें आई के कारण अब ये तीनों तरह से चलेगा। मैंने लिखा जैसे कि 11 दिया, देखिए 11, ऑक्टल में इसकी वैल्यू 13 है, और हेक्साडेसिमल में वैल्यू बी है। अगर हम 15 लिखते हैं, तो 15 का भी देखिए 15, 17 और F, ये भी अपने आप में सही है। अब फिर मैं इसको रन करता हूँ, इस बार मैं इसको ऑक्टल में वैल्यू देता हूँ 8, 0.8, तो ये देखिए इसने 8 को जो भी है ऑक्टल में 0.8
दस। ये देखिए ऑक्टल में जब हमने लिखा 10, तो 10 को क्या बनाया इसने, डेसिमल में 8 लिखा, ऑक्टल में 10 था और हेक्साडेसिमल में 8 आया। अगर हम 12 लिखते हैं, देखिए 12 लिखते हैं, सॉरी 0 12, तो ये देखिए डेसिमल में ये 10 बनेगा, ऑक्टल में ये 12 जो भी है, और इसको हेक्साडेसिमल में किस रूप में देगा, ए, क्योंकि आपका जो ऑक्टल में 12 था वो हेक्साडेसिमल में क्या बन गया, डेसिमल में 10 बनाओ, 10 की वैल्यू ए आ रही है, तो यहाँ देखिए ये भी ले रहा है। इसी तरह से अगर आप इसमें 0x करके लिखते हैं और फिर आप लिखते हैं नंबर ए, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, हेक्साडेसिमल में ये 10 है तो देखिएगा 10, और ऑक्टल में ये 12 बनेगा और हेक्साडेसिमल में तो ए है ही। ठीक इसी प्रकार से अगर आप लिखते हैं यहाँ पर फिर से 0xe, तो ये 14 बनेगा और ये ऑक्टल में 16 बनेगा और इसे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इनको जो मैंने अभी आपको ये दिखाए कि किस प्रकार से फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारी इनपुट तथा आउटपुट स्टेटमेंट को नियंत्रित करता है और उनको किस प्रकार से डिस्प्ले करता है, तो ये यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छे लगे हैं तो इसे आप अपने चैनल पे दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेट स्पेसिफायर के कुछ अन्य फंक्शन के और एग्जांपल के साथ। हैव अ गुड डे एंड बाय।